The Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को महासम्मेलन की अनुशंसा के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य मकसद दुनिया भर की सरकारों को यह याद दिलाना होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा और सम्मान करना प्रेस का कर्तव्य है। मालूम हो कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उनको बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी के लिए एक पहल की थी। सबसे पहले 3 मई को उन्होंने प्रेस की आज़ादी के सिद्धांतों को लेकर एक बयान जारी किया था। इसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसकी दूसरी जयंती पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। तब से हर साल 3 मई को यह दिन मनाया जाता है। कई देशों के पत्रकारों और मीडिया पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। मीडिया संगठन या पत्रकार अगर सरकार की मर्जी से नहीं चलते तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही मीडिया संगठनों को बंद करने तक के लिए भी मजबूर किया जाता है। संपादकों, प्रशासकों और पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर बताया जाता है कि प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है, साथ ही सरकारों को भी जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेस की आज़ादी के मामले में पिछले 3 सालों भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है। पिछले 2 सालों में ही भारत 15 पत्रकारों की हत्या हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 भारत 144वें स्थान पर है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 1990 से अब तक भारत में 80 पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आए, लेकिन सिर्फ एक मामला ही अदालती कार्रवाई के स्तर तक पहुँच सका है। वहीं साल 2019 में जनवरी महीने में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकुला में सीबीआई की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कुछ मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, वहीं कुछ मामलों में आज तक किसी को कसूरवार नहीं ठहराया गया है। पत्रकारों की हत्यारों को सजा दिलाने के मामले में भारत काफ़ी पीछे है। अमेरिका की एक गैर लाभकारी संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की एक वैश्विक सूची में यह जानकारी सामने आई। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया गया है जहां पत्रकारों की हत्या की गई और मामलों की जांच अभी भी लटकी हुई है। भारत को इस सूची में 14वें स्थान पर रखा गया है। चिंता की बात यह है कि यह लगातार 11 साल है से यही है जब भारत को इस सूची में रखा गया है। पत्रकारों की सुरक्षा पर निगरानी रखने वाली CPJ के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार कवर करने वाले पत्रकारों की जान को खतरा हो सकता है। 2016 में आई CPJ की 42 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में रिपोर्टरों को काम करने के दौरान पूरी सुरक्षा अभी भी नहीं मिल पाती है। इसमें कहा गया कि 1992 के बाद से भारत में 27 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जब पत्रकारों को उनके काम के सिलसिले में कत्ल किया गया, लेकिन किसी भी एक मामले में आरोपियों को सजा नहीं हो सकी। रिपोर्ट के अनुसार इन 27 में 50% से ज़्यादा पत्रकार भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर खबर करते थे। सभार, डेली होम एंड डेली हैंड, धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।